मित्रों नमस्कार। आज मैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा 2018 के संदर्भ में अगली कड़ी में अंग्रेजी भाषा का सिलेबस आपके सामने रख रहा हूँ। देखें अंग्रेजी भाषा में क्या-क्या दिया हुआ है। देखिए अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन अर्थात कोई भाषाई समझ या बोध, इसके संबंध में दिया हुआ है। यहाँ पर एक है टू अनसिन प्रोज पैसेजेस, डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नरेटिव और साइंटिफिक विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। अर्थात इसका आशय है कि दो अपठित जो गद्य के गद्यांश हैं आपको वर्णनात्मक, साहित्यिक, कथात्मक और वैज्ञानिक, इस तरह से आपको दो गद्यांश पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, जिनमें आपको जिसको मतलब जिसमें आपके आपके लिए क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको ग्रामेटिकली और कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप भाषा पर कितनी पकड़ रखते हैं, अवबोध आप कितना भाषा को समझते हैं, इसके संदर्भ में आपकी योग्यता परखी जाएगी। इसके पश्चात आप देखेंगे कि अंग्रेजी में ये सब होगा 15 अंक का होगा, यानी इसके कुल क्वेश्चन होंगे 15 और प्रश्न भी उसके जो अंक भी होंगे 15 और प्रश्न भी होंगे 15। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्थात अंग्रेजी भाषा का शिक्षा शास्त्र। यहाँ देखिए पहला पॉइंट क्या है, लर्निंग एंड एक्वाजिशन ऑफ लैंग्वेज अर्थात अधिगम, लर्निंग मतलब अधिगम और एक्वाजिशन मतलब ग्रहणशीलता ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषाई अधिगम एवं ग्रहणशीलता। दूसरा हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, अच्छा द्वितीय भाषा अध्यापन के सिद्धांत। आगे क्या है, लैंग्वेज स्किल्स लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। यहाँ देखिए कि लैंग्वेज भाषाई कौशल में लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना। अगला बिंदु है नेक्स्ट, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग अर्थात सुनने और बोलने की भूमिका। फिर आगे देखिए फंक्शन ऑफ लैंग्वेज भाषा के कार्य एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट और बच्चे इसे कैसे उपयोग करते हैं एज अ टूल, एक साधन के रूप में। अगला बिंदु है द रोल ऑफ ग्रामर अर्थात व्याकरण की भूमिका इन लर्निंग, सीखने में व्याकरण की भूमिका, और लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बलिटी वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफरेंट डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टी मीडिया मटेरियल्स, मल्टी लिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। नेक्स्ट है इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रेहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, और लास्ट है रेमेडियल टीचिंग अर्थात री टीचिंग, मतलब रेमेडियल मतलब यानी उसको हम कह सकते हैं सुधारात्मक या उपचारात्मक कक्षा लगाना। तो ये था तुम्हारा अंग्रेजी का सिलेबस, अगली कड़ी में हम आपको गणित का सिलेबस बताएंगे। धन्यवाद।